हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। मैं आज आप लोगों के लिए सीए फाउंडेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, तो व्हाट अबाउट सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। मैं आज आप लोगों से सीए फाउंडेशन मई 2021 और सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 दोनों एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं सीए फाउंडेशन मई 2021 के एग्जाम की बात करूं, तो सीए फाउंडेशन मई 2021 का एग्जाम 24 जून से शेड्यूल्ड है। अभी एग्जाम 24 जून से होगा या इस डेट में चेंज होगा, ये आपको विद इन 3 डेज पता चल जाएगा। ISA का अनाउंसमेंट आ जाएगा कि 24 से कन्फर्म है या कुछ थोड़ा बहुत चेंज है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। विद इन 3 डेज आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप जो डिफेंड मार्केट है उससे कन्फ्यूज नहीं हुए, आप कंसंट्रेट रखें और अभी 24 जून की एग्जाम मानते हुए ही आप प्रिपरेशन करें। अब सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 की बात करूँ, तो आपके बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। अभी तक आप लोग बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास में 5 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन आप बोर्ड के एग्जाम की तरफ से हटा के और सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आप पूरा कंसंट्रेट करें। तो स्टूडेंट्स का काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, इसी बेसिस पे हमने 8 जून से एक बैच अनाउंस कर रहे हैं। 8 जून 2021 से बैच स्टार्ट हो जाएगा सीए फाउंडेशन का नवंबर 2021 एग्जाम के लिए। यानी जो डेट है आपके बैच की वो होगा 8 जून, और ये जो मोड होगा 8 जून को जो एग्जाम हो रहा है, इसका जो मोड होगा वो ऑनलाइन लाइव है, ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा। और जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उस समय इन स्टूडेंट्स को फेस टू फेस यहाँ ऑफलाइन क्लासेस लेने का चॉइस भी उनको मिलेगा। और मेरे को लग रहा है कि विद इन मंथ, 1 मंथ कोचिंग्स अलाउ हो जानी चाहिए, जिस स्पीड से कोरोना डाउनफॉल में आ रहा है। तो आप लोग अभी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और जब कोचिंग ओपन हो जाएंगे उस समय आप फेस टू फेस भी ले सकते हैं। तीनों चॉइस आपके पास अवेलेबल है। जैसा कि VSI का सिस्टम होता है, तो VSI के सिस्टम में 3 चीज होती है। एक तो क्लासेज होती है, प्लस मॉक टेस्ट होते हैं, और एक होती है पर्सनलाइज गाइडेंस। क्लासेज के साथ में मॉक टेस्ट होते हैं, तो ये मॉक टेस्ट होंगे, ये 25% सिलेबस के आपके 4 होंगे, और 100% सिलेबस के जो है वो 3 मॉक टेस्ट होंगे। यानी कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करके फर्स्ट पार्ट का मॉक टेस्ट होगा, सेकंड पार्ट का होगा, थर्ड पार्ट का होगा, फोर्थ पार्ट का होगा, ये तो कोर्स के साथ चलेगा। और साथ में 100% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में 3 मॉक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मॉक टेस्ट की जो परफॉर्मेंस आती है उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को ABC कैटेगरी के हिसाब से बताया जाता है कि किस बच्चे के लिए ए कैटेगरी करना बेनिफिशियल है, किस बच्चे के लिए ए और बी करना बेनिफिशियल है, किस बच्चे के लिए ABC तीनों करना बेनिफिशियल है। तो इस पर्सनलाइज गाइडेंस का ही रिजल्ट है कि VSI का जो रिजल्ट आप देख रहे हो हर बार टॉप रिजल्ट जाता है। आपने देखा होगा कि VSI की पिछले 10 ईयर में 7 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है, और साथ में इंटर और फाइनल और IPSC इनके एवर हाईएस्ट मार्क्स का रिकॉर्ड भी VSI के पास है, और साथ में फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में बहुत ह्यूज गैप, यानी 50-60 मार्क्स का गैप जो आता है, ये भी VSI के सिस्टम का रिजल्ट है। तो ये तीनों सिस्टम अगर किसी बच्चे ने ढंग से फॉलो कर दिया तो मेरी गारंटी है वो फेल नहीं हो सकता, बशर्ते कि उसको सिस्टमेटिक लगना पड़ेगा, पर्सन टू पर्सन पर्सनल बेसिस पे उसको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। अब इसके अलावा देखो, आपने देखा होगा कि VSI जो फाउंडेशन में तो अभी रैंक बंद कर दी,
और इंटर और फाइनल में जो रैंक आ रही है और वीएसआई का इतना डिफरेंस आ रहा है, बहुत हैवी डिफरेंस आ रहा है, उसका रीजन ये है कि हम फाउंडेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ उनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों में काम आती है वो हम सिखा देते हैं, जैसे राइटिंग स्किल क्या है, कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन किया जाए, आपके टॉपिक सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फाउंडेशन में सिखा देते हैं जो इंटर और फाइनल तक उनके काम में आती है। तो जो स्टूडेंट हमारे पास फाउंडेशन के साथ में जो इंटर में आते हैं वो 2 मंथ्स आगे होते हैं कम से कम, क्योंकि ये चीज़ सिखाने में 2 मंथ्स का टाइम लग जाता है, तो 2 मंथ्स आगे होते हैं। और जो स्टूडेंट फाउंडेशन और कहीं से करके और जब इंटर में बीएसआई के पास आता है तो वो 2 मंथ्स बैक होता है, क्योंकि उसके माइंड में ये नेगेटिविटी भर दी जाती है कि इससे ये बहुत टफ है, और उस नेगेटिविटी को निकालने में भी हमारे को 2 मंथ्स का टाइम लग जाता है। और जब माइंड से नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, जब तक वो स्ट्रॉन्ग वर्किंग या पॉजिटिव थिंकिंग चालू नहीं होगी, और जब पॉजिटिव थिंकिंग होती है इंसान की तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मैटर पड़ लेता है, और नेगेटिव थिंकिंग होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम में भी बहुत कम मैटर पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग सी एग्जाम पास करना है या आपको रैंक लानी है या आपको फर्स्ट रैंक लानी है तो आप वेट नहीं करें। वीएसआई का जो ये शॉर्ट सक्सेस बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जून से, जो शॉर्ट सक्सेस बैच है इसमें आप ज्वाइन करें। और अगर आपके फर्दर कोई क्वेरीज की रिक्वायरमेंट है तो वीएसआई के जो नंबर है वो मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए ये है 9351468666, एक है 7821-250-254 तक जो है यह है। तो इससे आप और गाइडेंस ले सकते हैं और क्वेरी अपनी सोल्व कर सकते हैं आप, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करें और जो भी डिसीजन लेना है वो इमीडिएट लें। थैंक यू।